हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेचर आई टी मध्य प्रदेश की। दोस्तों एक और दोस्तों नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों यहां पर होने वाली मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो आंगनबाड़ी हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों भर्ती के सामान दोस्तों अपडेट यहां पे आ चुकी है। कुल हम पद की बात कर लेते हैं, 12,670 दोस्तों पद यहाँ पर होने वाली है। और दोस्तों इसमें बहुत बड़ी बात यह कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। कौन से पद के लिए मेल करेंगे, कौन से पद के लिए फीमेल आवेदन करेंगे वो बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। इसमें दो पद यहाँ पर रहने वाली हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, ठीक है ना। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं दोस्तों उनके पद आपके रहने वाले 476 पद रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पर आप लोग नए चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की सही इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते पहले देख लेते हैं जो माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी, उनकी हम सुन लेते हैं वो उन्होंने क्या यहाँ पर कहा इस संबंध में, फिर बताते हैं आपको डिटेल में। देखिए ये मुख्यमंत्री जी, इनके हम बात सुन लेते हैं, इनका क्या कहना है। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रदेश के 12,670 जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे उनका उन्नयन हुआ है पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर सहायिका का पद नहीं होता, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता था। अब पूर्ण आंगनबाड़ी हो जाने से 12,670 पद तो ये सृजित हो जाएंगे और 476 पर्यवेक्षक, क्योंकि जब ये पूर्ण हो गए तो 25 आंगनबाड़ियों पे जो एक सुपरवाइजर होता है तो उसके हिसाब से 476 सुपरवाइजर के पद भी सेंक्शन आज कैबिनेट ने किया है। और इससे 213 करोड़ रुपए का आर्थिक वार्षिक व्यय आएगा, जिसमें से 179 करोड़ राज्य शासन से भार उठाएगा और केंद्र से 34 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों ने मंत्री जी के जो उन्होंने बताया आपने बाइट सुन ली उनकी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर यहाँ पर दिया हुआ है वो बताऊँगा। अब देखिए पूरे मध्य प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो दोस्तों उन आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या करना, पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अब ये पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाने जा रहे हैं दोस्तों, 22 को यहाँ पर मंत्रालय में बैठक हुई थी, उसमें बताया हुआ उन्होंने देखिए कि टोटल जो 12 जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर देख लें आप लोग, साफ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। मतलब दोस्तों 12,670 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 12,670 आंगनबाड़ी सहायिका और दोस्तों जो रहेंगे पर्यवेक्षक उनके पद रहेंगे 476 पद यहाँ पर स्वीकृत आप किए जाएंगे, ठीक है ना। ये उन्होंने यहाँ पर बता दिया पूरे इसमें इसमें। तो आप लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है कि यहाँ पर 12,670 दोनों के पद रहने वाले हैं, मतलब आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 476 जो पद रहेंगे वो रहेंगे पर्यवेक्षक। इसमें दोस्तों महिलाएं अभी आवेदन करेंगी और जो पर्यवेक्षक का पद रहेगा उसमें पुरुष भी दोस्तों यहाँ पर आवेदन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। इस संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती आगे हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।